फर्स्ट क्वेश्चन है सर, सेकंड काउंसलिंग में सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हूँ। मेरे पास बीए में साइकोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ऑनर्स। आपके पास इंग्लिश ऑनर हो गई ना, फिर इंग्लिश तो आपका बनेगा बनेगा, ये तो आपका है या थी। तो सर एसएसटी के कॉरेस्पॉन्डेंस कोई और नहीं मिल सकता? देखिए, आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना है। नंबर एक, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको इंग्लिश लेना ही होगा, क्योंकि इंग्लिश आपने इतनी ज्यादा पढ़ ली है कि गवर्नमेंट जितना चाहती थी उतने उससे आगे चले गए हैं। मतलब आपने 3 साल पढ़ ली है और इलेक्टिव है ये, इवन ऑनर है ना, तो आपको ये तो छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी हालत में भी। दूसरा, आप कह रहे हो एसएसटी, तो अगर आप पंजाबी या पंजाब यूनिवर्सिटी में, नेचुरली आपके पास आपके साथ इंग्लिश के साथ एसएसटी मिल गया है, तो आप एलिजिबल एसएसटी बीएड में करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं हो, क्योंकि आपको एडिशनल पेपर एडिशनल पेपर आपको साइकोलॉजी के साथ बीए में, एडिशनल बीए का आपको किसी भी सोशल साइंसेज, जो 13 सोशल साइंसेज दी है उनमें से एक और करना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रिलेटिवली इजी है, तो ये कर लेने चाहिए। इससे भी इजी जाना है तो सोशियोलॉजी करना चाहिए। ये करने के बाद, 3 साल पढ़ने के बाद, और एसएससी अब आप बीएड में करने के बाद, फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो गए। आपने क्वेश्चन ये पूछा है कि कॉरेस्पॉन्डेंस इसके लिए कोई मिल सकता है। आपने स्कूल सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ा, सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है। स्कूल सब्जेक्ट आपका है, दूसरा जो बनता है आपका ये रहा, यहां था साइकोलॉजी, ये रहा साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी 10th तक नहीं पढ़ाई जाती, 10+1 और 10+2 में पढ़ाई जाती है। ये हो गया ना, सीनियर सेकेंडरी जिसको भी बोलते हैं। तो ये साइकोलॉजी आप ले सकते हो, पेडागॉजी ऑफ साइकोलॉजी। लेकिन हाँ, वो करने के बाद आपको एमए साइकोलॉजी भी साथ में चाहिए। अगर आप एमए साइकोलॉजी हो, यहां आपने नहीं बताया, अगर एमए साइकोलॉजी हो तो आप पेडागॉजी ऑफ साइकोलॉजी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत कम कॉलेजेस में है। और अच्छी बात ये है कि एसएसटी लेके एसएसटी की जॉब बहुत निकलती है, दैट इज वाई आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश और एसएसटी ही है। और बाद में आप ये एडिशनल बीए का जरूर दीजिए, और इसके बाद आप पेडागोजी ऑफ साइकोलॉजी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, वो भी आपने यहाँ ये नहीं बताया कि 1 साल पढ़ा है, 2 साल पढ़ा है, 3 साल पढ़ा है। अगर 1 साल पढ़ा है तो भी आपको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस नहीं लेना चाहिए, सॉरी साइकोलॉजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1 साल पढ़ा होने के कारण भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए 3 साल इलेक्टिव सब्जेक्ट और वही सब्जेक्ट की पैडागोजी आपने पढ़ी हुई है। सर एससी में फीमेल सीट रिमेनिंग अनफिल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फीमेल कैंडिडेट इन कैटेगरी, देन फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू एससी अनरिजर्व और एससी फीमेल, प्लीज क्लियर डाउट। ये कहां से है? ये मेरे ख्याल में बीएड का, अच्छा डी रिजर्वेशन पॉलिसी का है, ये मेरे ख्याल में यहाँ डिस्कस करना पड़ता नहीं है, फिर भी चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। एससी मजहबी सिख है ये, एमबी आपने लिखा है, ओके। एससी एमबी फीमेल सीट रिमेन अनफिल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फीमेल कैंडिडेट इन देयर कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू एससी, यस ठीक है, अनरिजर्व और एससी टू फीमेल। देखिए ये सिंपल नुक्ता ये है कि पहले प्रेफर किया जाएगा जो सब कैटेगरी थी। अब सब कैटेगरी जो है वो ये है एमबी एंड फीमेल, ठीक है। तो अगर वो एमबी नहीं मिलता तो एससी फीमेल को वो जा सकती है, ठीक है। अगर वो फीमेल नहीं मिलती तो वो एससी मेल को पहले नहीं जाएगी, पहले रिजर्वेशन जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फीमेल की, तो उसको प्रेफर किया जाएगा। अगर आपकी सीट्स फीमेल की सीट्स जितना कोटा था उतना फुल हो चुका है तो वो एससी की मेल को जाएगी, ये बात है। अल्टीमेटली ये जो मेन कैटेगरी है, जो वर्टिकल है, वो है एससी, एससी मेन, वर्टिकल मेन, अपवर्ड इनको लेके ही जाना है।
तो हर हालत में वो एससी को ही सीट मिलेगी, वो किसी भी हालत में जनरल के पास नहीं जाएगी। पता नहीं अभी क्लियर हुआ कि नहीं, अगर नहीं तो आप दोबारा पूछ लीजिए। सर मैंने जो फर्स्ट काउंसलिंग च कॉलेज मिलिया सी हुन उथे ही एडमिशन लेनी है, बट मेजर सब्जेक्ट चेंज करके कि मैनु हुन ओही कॉलेज किसी होर सब्जेक्ट सीट मिल सकती है, प्लीज रिप्लाई। देखिए दो बातें हैं, ये आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो आपने ये नहीं बताया कि वो गवर्नमेंट कॉलेज है जहां एडेड कॉलेज है। आप कॉलेज का नाम ही बता सकते थे, ये कोई हम पर्सनल नहीं है बात कर रहे हैं, एजुकेशनल बातें कर रहे हैं। तो ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मान लो आपको जो भी मिल गया, हर सब्जेक्ट मान लीजिए, पता नहीं कौन सा है आपने एसएसटी मान लीजिए फिल, चलो इकोनॉमिक्स फिल किया था है ना, तो इकोनॉमिक्स फिल किया था, इकोनॉमिक्स की जगह आप मान लीजिए हिस्ट्री लेना चाहते हो, अगर तो वहां सीट खाली हुई उस कॉम्बिनेशन में, वो हिस्ट्री वाला बच्चा जिसमें आप लेना चाहते हो कोई छोड़ के गया था और आपका रैंक इमीडिएट आता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाए, लेकिन ऐसे चांस बहुत कम दिखाई देते होंगे। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उस कॉलेज की जो अनफिल्ड डिस्प्ले की हुई सीट्स हैं अपने कॉम्बिनेशन और कैटेगरी की, वो देखनी चाहिए कि अब क्या सीट उसमें खाली पड़ी है, वो देख के आप ये फिल कर सकते हो। अच्छा, अगर वो एडेड जा एडेड में भी चलो चल सकता है, प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो बाद में खुद ही आपको चेंज कर दोगे, प्रोवाइडेड आप एलिजिबल चाहिए, एलिजिबिलिटी अगर बनती है आपकी तो आपका आपको ये काउंसलिंग में जाने वो नहीं देंगे, आपका 1000 भी बच जाएगा, वहीं चेंज कर देंगे। हाँ, जहां तक माइनर की बात है तो माइनर तो इजीली चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी कॉलेज में अंदर की बात है, आप एलिजिबल होने चाहिए, आपने कम से कम एक साल उसको पढ़ा होना चाहिए। तो ये है मेरे ख्याल में, आपको ये अब देखना है कि गवर्नमेंट है तो आपको यहां जाना पड़ेगा, लेकिन आपको हर हालत में जो सीट्स अनफिल्ड हैं अभी सेकंड काउंसलिंग में डिस्प्ले हुई उनको देख। बहुत सॉरी, जब भी तारीफ करनी है ना तो सच्ची कह रहा हूं उसकी करनी है, जब भी तारीफ करनी है, अगर आपको लगे कि मेरे चैनल से या मेरे से कुछ मिला है तो मेरी तारीफ नहीं करनी, उसकी तारीफ करनी है। अगर आप सच में तारीफ करना चाहते हो तो 2 मिनट आंखें बंद करके बस ऐसे अपने कमरे में वैसे ही बैठ जाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड करो, 2 मिनट कर लो, यहां नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना मेरे बारे में। अच्छा सर, फर्स्ट काउंसलिंग में मलेरकोटला कॉलेज में ओनली 5 सीट्स फिल हुई थी साइंस की, क्या 63 वाले स्टूडेंट को मिल सकती है, ये मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन को मिल जाएगी एडमिशन, प्लीज रिप्लाई प्लीज आंसर। सर ऐसे है ना कि अब ये नहीं पता कि आपको, क्योंकि वहां पर हाँ जो मेरे ख्याल में जो फीस है वो इतनी कम नहीं है, 70 पर सेमिस्टर है ना, इतनी है, तो यहाँ पर आपके इतने मार्क्स है। अब मुझे ये कुछ क्लियर नहीं है कि आपकी कैटेगरी के, कैटेगरी भी नहीं आपने बताई, तो वहां पर अगर फिल हुई है तो कितनी खाली कितनी है, ये सारा एनालिसिस देख के करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं है अभी, तो इसको बाद में बताऊं, जा ऐसा कीजिए कि आप उसमें प्रेफरेंस तो फिल कर दीजिए, क्योंकि ये हमें या आपको या किसी को भी नहीं पता कि 63 से आगे कितने जाने हैं, 64 वाले कितने हैं, 65 वाले कितने हैं, 66 वाले कितने हैं, जो साइंस में लेना चाहते हैं, ठीक। अगर तो कोई नहीं है, वो कहीं और लेना चाहते हैं किसी और कॉलेज में, तो आराम से आपको मिल जाएगी, है ना, तो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द दिस इज चांस फैक्टर, क्लियरली। सर एडिशनल पेपर बारे दोस्तों, एक पूरा वीडियो एडिशनल के बारे में बना दूंगा, हाँ इतना है कि अगर बीएड के एडिशन के बारे में पूछ रहे हो या दूसरे इसके बारे में, थोड़ा सा लिखो दोबारा, आप बीए के एडिशनल के बारे में पूछते हो या बीएड के, और ये यूनिवर्सिटी वेरी करता है,
हाँ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की 17th ये वाली लास्ट चल रही है डेट विद फाइनल, वो बीएड की है एडिशनल और सेमेस्टर वाइज। ये भी फर्क है कि एनुअल सिस्टम में आपने ग्रेजुएशन की है जहां सेमेस्टर सिस्टम में ग्रेजुएशन की है तो उसके लिए हिसाब का वक्रा, दैट इज वाई डिटेल में बात बतानी पड़ेगी, फॉर्म कैसे फिल करना है, कब करना है, बीएड के वन मंथ की प्रैक्टिस लगती है तो फॉर्मेलिटी कैसे होती है, कौन सा मतलब चल जाता है, कौन सा काम करना पड़ता है, तो सारा फिर एक अलग से ही वीडियो बनेगा। दैट इज वाई आप ये बताइए कि दोनों का अलग बना दूं या बीए और बीएड का दोनों का इकट्ठा बना दूं। सर मैं फर्स्ट काउंसलिंग च जी एन अलॉट होया उस विच कॉलेज विजिट नहीं कीता बट सेकंड काउंसलिंग विच स्टेट कॉलेज फिल करना, सर मैनू भी कॉलेज शिफ्टिंग फीस करानी पवेगी जी। द मोस्ट कंफ्यूजिंग इस वीडियो में कुछ बेशक मत देखिए लेकिन ये समझ लीजिए कि कंफ्यूजन क्या है, कई लोगों को फीस क्यों फिल करनी पड़ रही है। यहाँ पर बोर्ड पर चलते हैं, आपने फर्स्ट काउंसलिंग में क्या किया था कि ये मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग है, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग चल रही है, आपने कॉलेज फिल किया था ये वाला एक, ठीक, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल कर दिए जो भी है साइंस है ना, दूसरा भी आप शायद ये कॉलेज या आपने सब्जेक्ट जो था साइंस की जगह साथ मेजर मैथ्स फिल कर दिया, ठीक है, कई कॉलेज में ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं बार बार वो कॉलेज भी फिल किया जा सकता है। मान लीजिए नेक्स्ट कॉलेज आपने ये बदल लिया, थर्ड फिल कर दिया ये, फिर साइंस को प्रेफर किया और फिर आपने कॉलेज और नहीं मिला, दूर जा रहे हो, ये भला आपने चौथा कॉलेज फिल कर दिया साइंस के साथ, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी ने सेकंड काउंसलिंग में क्या करना है कि जिन लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस ये फिल की थी, अगर उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस उनको मिल गई है, यस आपने सोच समझ के प्रेफरेंस फिल की है, डेमोक्रेसी है, आपको फ्रीडम दी गई, आपने ये फिल कर दिया कॉलेज ये वाला किया था और साइंस फिल किया था मेजर सब्जेक्ट जी, आपको मिल गया। अब अगर ये जो कैंडिडेट है ये चाहता है कि ये वाला कॉलेज मैंने शिफ्ट करना है, बदलना है, ठीक है, तो उनको हर हालत में ही फीस देनी पड़ेगी। अगर उसने कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया, ये बात जरूरी है, रिपोर्ट किया कि नहीं, ठीक, रिपोर्ट यस, रिपोर्ट नो। अगर तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने मांगी थी वही मिल गई तो आपने रिपोर्ट नहीं किया तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी 1000। अगर आपको सेकंड ऑप्शन मिली थी, ये ब्लैक ले लेते हैं, ये वाली ऑप्शन आपको मिली जहां फर्स्ट के अलावा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ कोई भी और मिली है ना, तो आपने रिपोर्ट नहीं किया, ये वाला आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी फीस जो है नहीं लगेगी, इस बात को समझो, तो ये हिडन है। अच्छा, तो जिसने ये पहला था जहां दूसरा या तीसरा या ये दूसरे वाला आया है मान लो, उसने यस रिपोर्ट कर दिया तो भी उसकी फीस लगेगी, उसकी फीस लगेगी, इस बात को समझो, ये सेंट्रल आइडिया इस वीडियो का है, ये बात बताना चाहता था। तो दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू आपके केस के मुताबिक आपको कहा जाता है कि आपकी फीस लगनी है, तो वहां ऑप्शन आती है। वापस चलते हैं, ठीक है, तो ये यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट और क्वेश्चन भी ऐसे आएंगे, दैट इज वाई उनको भी वही देख लेना चाहिए। सर पीयू के अंडर कॉलेज अलॉट हुआ है, वहां अगर शिफ्टिंग करनी है तो फीस कितनी रिफंड होगी? फीस रिफंड के बारे में पहले भी मैंने बताया था कि कोविड में गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने ये कहा था कि 100% फीस रिफंड होगी किसी बच्चे को, क्योंकि इकोनॉमिक हालत जो है बच्चों की डाउन जा रही है, जो वोकेशन जो है ऑक्यूपेशन जो इनकम है वो लगभग कम हो गई है, जो नहीं होगी तो 100% वापस थी। इससे पहले रूल था कि अगर काउंसलिंग चल रही है तो बच्चा छोड़ के जाता है या शिफ्ट करता है तो 1000 डिडक्ट किया जाएगा, 1000,
वो कहीं भी हो, पीयू हो, गुरु नानक हो, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हो, ठीक। तो 1000 वो लगता है और 1000 आपका लगेगा जो आप शिफ्टिंग करवा रहे हो, उसका रूल मैंने पीछे बताया है। इट मीन्स अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपके 3 केस हो सकते हैं, आपने रिपोर्ट नहीं किया और आपके सेकंड या थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस आपने जो फिल की थी वो मिली है, तो आपकी कोई फीस नहीं है। अगर आपने रिपोर्ट कर दिया है हर हालत में, है ना, तो आपकी 1000 लगनी ही लगनी है और साथ में वो जो कॉलेज भी 1000 लेगा। अगर आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल गई है, तो फिर भी आपने रिपोर्ट नहीं किया है ना, तो इस केस में 1000 ही लगेगा, फिर कॉलेज नहीं काटेगा, इसको समझ लेना। अच्छा सर पीयू क्या हो गया, सर टेट, हाँ टेट के जो करना चाहते हैं, मैं थोड़ा डिले हो रहा हूँ, लेकिन टीईटी के बारे में अगर आप जो भी ये एडमिशन ले रहे हैं वो कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, कोर्ट के आदेश हैं, इवन आपका फर्स्ट डे ही क्या है एडमिशन होगी, फीस जमा होगी, आप टीईटी में अपीयर हो सकते हैं। सी टेट और स्टेट टेट दोनों ही आने वाले हैं, पंजाब का आने वाला है, तो आप फिल कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो टीईटी ऐसे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट है सर, जो कॉलेज में मैं फिल किया था, यहां पर आता हूं, हाँ फिल किया था फर्स्ट काउंसलिंग में, मेरा उसी में नेम नहीं आया था, सब में कॉलेज वेकेंट सीट्स चेक कितिया हैं, तो उसमें जनरल कैटेगरी लंबा है, सारा पढ़ना पड़ेगा, ओके रीड मोर, हाँ कोई वेकेंट सीट नहीं बट मेरी कैटेगरी जनरल है। देखो 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 देखो, अगर सीट खाली नहीं है, आपने कहा है कि ये रहा, कोई सीट वेकेंट नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लिया, मेरी कैटेगरी जनरल है, ठीक है, उस कॉलेज में ओबीसी के 15% कोटा वेकेंट सीट है, इस काउंसलिंग में भी प्रोबेबिलिटी है कि ये 15% अगर कैंडिडेट, जो 15% कौन से हैं, ऑल इंडिया कोटे के, पंजाब के बाहर के, है ना, तो अगर वो कैंडिडेट नहीं है, एप्लीकेंट है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस 15% को, मान लीजिए एक आया दो आए, 10% बच गई हैं, आपने कहा 15 ही बची गई हैं, हाँ तो प्रोबेबिलिटी है कि उनको दूसरी में कन्वर्ट करके आपको सीट दे दी जाए, क्योंकि एप्लीकेंट नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो आप मुझे ये बताओ कि मुझे वो ओबीसी वाली सीट मिल सकती है या फिर अभी मुझे कोई दूसरा कॉलेज फिल करना होगा सेकंड काउंसलिंग में। ये देखिए, आपको फिल वही करना चाहिए कॉलेज, ठीक है, क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी तो है ना, तो दूसरा है आप जनरल कैटेगरी के हो, वो ओबीसी के है, अगर ओबीसी के भी वो अवेलेबल नहीं है तो भी लास्ट में जनरल को वो दे देंगे, ये जॉब नहीं है, जॉब में बैकलॉग रखा जाता है, यहां पर सीट दे दी जाती है क्योंकि सीट वेकेंट है, दैट इज वाई आपकी प्रोबेबिलिटी है, चांस फैक्टर है, 5% से मैं कह सकता हूं 20% तक चांस है, तो चांस इतने हैं, दैट इज वाई आपको फर्स्ट कॉलेज को फिल कर देना चाहिए, सेकंड और कोई कॉलेज फिल करना चाहिए, नेचुरली है अगर वो आप इस सर्कमस्टांसेस से गुजर के जाते हो तो आपको फर्स्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस जो भी आप फिल करोगे मिल जाएगी, तो आपको फिल करना चाहिए। नेक्स्ट है परनीत कौर कमेंटर, सर बीएड तो, सर बीएड तो बाद लाइफ साइंस का एडिशनल एग्जाम देने ले रेगुलर क्लास लगानिया पैंदियां हन, या फिर देखिए आप ने ये नहीं बताया राजे, ये बताइए ना आपके, आप बीएड तो बाद लाइफ साइंस था, आप अगर बीएड का कह रहे हो मतलब कि आप पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस का कह रहे हो, उसका क्वेश्चन मैं ये समझ के जवाब देने लगा हूं। आपने पूछा है कि पेडागोजी ऑफ लाइफ साइंस का एडिशनल देना हो तो उसके लिए रेगुलर क्लास नहीं, नहीं उसके लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से 1 मंथ की रेगुलर क्लासेस लगानी होती है, और आपकी जो प्रैक्टिस होती है इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, इंटर्नशिप लगानी होती है आपने, ठीक है, तो कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपका कॉलेज ने सर्टिफाई करना होता है कि 1 मंथ की आपने क्लास लगा लिया, हो सकता है 2 साल की है तो 2 महीने भी हो गए हो,
तो ये क्लासेस लगभग सारे ही कॉलेज अलाउ कर देते हैं, वो ऐसे कोई क्लास लगाने को आपको कहता ही नहीं, एडिशनल वाले को नहीं कहता, मोस्टली जॉब में है तो रूल है, लेकिन प्रैक्टिस में जीरो है, कोई नहीं लगा रहा। तो इंटर्नशिप का है, अगर आप स्कूल में वही कॉलेज के नजदीक या उसी शहर में पढ़ा रहे हो तो उसी स्कूल से आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आपके जो है मेंटर है या आपके टीचर एजुकेटर है वो सर्टिफाई कर देते हैं। दैट इज वाई कोई आराम से एडिशनल हो जाता है, एडिशनल में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पैसे लगते हैं, पैसे ज्यादा लगते हैं, फिर भी फीस काफी होती है। मैं पता करके आपको एक वीडियो बना दूंगा एडिशनल कैसे होते हैं उसमें बता दूंगा। हर ईयर सर गवर्नमेंट कॉलेज जलंधर में हॉस्टल अवेलेबल है? हाँ यार, मैंने किया था वहां जो भगत सिंह का वो बनता था ना एक सीरियल, वो उसी हॉस्टल में बनता था, उसमें काफी शूटिंग होती है। जब मैंने बी एड की थी 1 रुपया उसका था चार्जेस था। अब वो फंक्शनल है या नहीं मैं पता करके बता दूंगा, आप बेशक वो मुझे वो जहाँ उन सर को ना 9872978981 पर फोन करके पता करिए, अवेलेबल है वैसे हॉस्टल। सर एमएससी केमिस्ट्री बी एड साइंस एनएफ नहीं है, पीजीटी टीचिंग लिए साइंस में भी केमिस्ट्री थी जाती है? देखो जो आप पूछ रहे हो ना, पढ़ लिया वैसे मैंने, ये रहा। आप ये पूछ रहे हो कि आपने, बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो आप, एमएससी केमिस्ट्री प्लस बीएड साइंस। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का रूल क्या है, दूसरा एनसीटी का रूल क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है ये सारी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, बीएड कॉलेजेस को। उनके रूल जो हैं वो ये हैं कि अगर आपने किसका लगना है, टीचर साइंस में है, आपने फिजिकल साइंस का लगना है ना, तो फिजिकल साइंस में इतनी साइंस उन्होंने दी हुई है, लिस्ट मैंने किसी वीडियो में डिस्कस की है, उनमें आप एक जो है एमएससी की हो, ठीक है, वो आप कहते हैं केमिस्ट्री की है, एमएससी की है, ओके हो गया, लेकिन साथ में फिजिकल साइंस का पेडागोजी हो, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस हो, जो साइंस पेडागोजी ऑफ साइंस है ना ये 10th तक के लिए है, रूल ये है, ठीक। तो क्यों ये इसमें कम से कम इस साइंस के लिए एलिजिबल होने के लिए कम से कम आपने 2 साइंसेस पढ़ी हुई होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बायो प्लस केमिस्ट्री, या बायो प्लस आपका जो हो गया फिजिक्स, कोई भी 2 साइंसेस लिस्ट दी हुई है। तो ये 10th तक के लिए क्राइटेरिया है, उसको मैं या आप कोई चेंज नहीं कर सकता। जो 10+1-2 के लिए है, जो 10+1-2 के लिए है ना, इन्होंने 10th को नहीं टीच करना, इन्होंने इनको टीच करना है। दैट इज वाई इसकी मास्टर डिग्री चाहिए, वो आपके पास है, लेकिन पेडागोजी उसी स्पेशल सब्जेक्ट की चाहिए। अगर केमिस्ट्री है वो फिजिकल साइंस में आती है तो फिर आपको पेडागोजी और फिजिकल साइंस ही करना पड़ेगा, ये रूल है। नेक्स्ट चलते हैं। सत श्री अकाल सर, मैनू फर्स्ट चॉइस दे अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट होया सी, हाँ मैं रिपोर्टिंग नहीं की थी। कौन सा हुआ था फर्स्ट चॉइस, ठीक है, बिकॉज मैं सेकेंड चॉइस वाले कॉलेज विच एडमिशन लेने मैंने शिफ्टिंग फीस देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। कारण ये है कि आपने फर्स्ट चॉइस फिल की थी, इट मींस यूनिवर्सिटी ये कहती है कि भाई आप अभी क्लियर नहीं हो कि आपने कौन सी प्रेफरेंस लेनी थी। आप कह रहे हो कि मुझे फर्स्ट जिंदगी में ये चाहिए, तो जब वो आपको परमात्मा दे देता है, आप कह रहे हो नहीं ये नहीं यार, ये चाहिए था, ये वापस ले लो ये, वो परमात्मा कहेगा नहीं यार आप कंफ्यूज हो ना। तो हायर अथॉरिटी से जब कोई चीज मांग रहे हैं, हम प्रेफर कर रहे हैं, तो हमें तो अगर चेंज करनी है तो उसका थोड़ा सा हर्जाना देना पड़ेगा, वो है 1000 फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। ये रूल है, हिडन रूल है, लिखा नहीं हुआ, दैट इज वाई आपको करवानी पड़ेगी। सर अगर फर्स्ट काउंसलिंग विच अलॉट हुआ कॉलेज विच रिपोर्ट ना की हो तो सेकंड काउंसलिंग विच कॉलेज वखरा लेना हो तो भी शिफ्टिंग फीस करनी पाओगी? फर्स्ट काउंसलिंग विच अलॉट हुआ कॉलेज रिपोर्ट ना की हो, उसका रिपोर्ट आप, मैंने पीछे बता दिया है कि आपकी चॉइस क्या थी। अगर फर्स्ट चॉइस थी, चॉइस ये जो केस अभी डिस्कस किया है, फर्स्ट चॉइस थी तो आपको मिल गया, तो आपको
100,000 देना पड़ेगा। अगर सेकंड चॉइस थी तो मिला है तो आपको नहीं देना पड़ेगा, जीरो। ठीक, तो फीस उसके मुताबिक होगी। टीईटी थैंक यू, लेकिन बाकी भी कीजिए। थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप टीईटी करना चाहते हो या नहीं। कौर मान सर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर वाले फुल फीस है, ऐसे ही हो चुके हैं यहाँ तक, मेरे ख्याल में काफी है। तो कोई और क्वेश्चन हो, नेक्स्ट भी गाइडेंस आपको चाहिए। अभी साथ साथ में टीईटी का क्लास शुरू नहीं है, वेरी सॉरी, लेकिन शुरू करूंगा। अगर आप चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। आप टीईटी लिख के मुझको थोड़ा इनकरेज कर सकते हो कि सर जल्दी लगाइए, हम इंटरेस्टेड हैं। तो मैं जो खर्चा जो भी कर रहा हूँ जल्दी जल्दी करूँ। तो कोई और डाउट हो, जिंदगी का कोई डाउट हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब हम पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा जिंदगी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ कोई बात ऐसी ज़रूर करेंगे कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज आए। चेंज आपके कारण ही आना है ना, तो आप ही कारण बनोगे। तो लेकिन वह बाहर से कई बार ड्यूटी होती है कि कहीं कहीं से लेसन लेना होता है। हो सकता है मैं आपसे लेसन लूँ, हो सकता है कुछ और हो। तो जुड़े रह सकते हैं। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर पीरज सिंह। थैंक यू।